सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बोलना चाहती हूँ, बस सीधे से बोलना, हंसी मजाक तो चलते रहेगा, लेकिन जो मैं बोलना चाहती हूँ, मैं सब दर्शक लोगों से, मेरा फैन फॉलोअर्स लोगों से, मेरा भाई बहन से, बड़ों से, छोटे से, प्लीज कोई मूवी वांटेड के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ खाली, वांटेड के बाद में भी जितना मूवी, कोई भोजपुरी मूवी आए या फिर कुछ भी मूवी कोई भी लैंग्वेज में आए, प्लीज आप लोग नजदीक सिनेमा घर में जाके जरूर देखिए, क्योंकि आप लोग मूवी सिनेमा घर में, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करने लगे हैं कि ये YouTube पे कब आएगा, YouTube पे बहुत देर से अभी डिसीजन लिया हुआ है फिल्म इंडस्ट्री से कई बड़े बड़े लोगों ने कि कोई मूवी रिलीज होगा तो उसके एक साल, छः महीने से एक साल बाद, हाँ जो मतलब म्यूजिक चैनल से जो ही मतलब ये खरीद लिए तो वो लोग डालेंगे, लेकिन मैं ये विनती कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग नजदीक सिनेमा घर में जाके जरूर देखिएगा। दर्शकों से एक अपील भोजपुरी भाषा में, रवा रोगिन से ये कहता नहीं कि जरूर आप लोग नजदीक सिनेमा घर में जाके ये मूवी देखी जा, बस ये मूवी देखी जा, इतना तो दिखा जाता है, लेकिन वो है, वो कुछ कुछ मूवी में दिखा जाता है, किसी का फैशन है वो ही करता है, लेकिन हम लोग सर पे रख के चलेंगे कि अगर भोजपुरी के नाम से ये होता है कि भोजपुरी नाम से ही मतलब गंदगी, ऐसे कोई सोचता है तो ये बहुत खराब बात है, क्योंकि मैं जितना मूवी किया इसमें नहीं, अब वांटेड के बाद वांटेड को देखिए, बहुत साफ सुथरा, इसमें कोई वल्गरिटी नहीं है, मैं तो सबको ऐसे सब हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप आइए, आप दोस्त लोगों, परिवार लोगों, सब माता पिता को भी लेके आके देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में हर तरह मतलब मूवी खराब होते हैं, लेकिन हम लोग जो करेंगे, मेरा खुद का मतलब है, पांच उंगली तो मतलब एक जैसे नहीं होते हैं, तो चूज करके हम लोग करेंगे और दिमाग में रखेंगे कि गंदगी से टीआरपी जीआरपी नहीं बढ़ता है, परफॉर्मेंस से बढ़ता है, टैलेंट से बढ़ता है। भोजपुर की धरती पर आप पहली बार आए हैं, आपके जो को वर्कर्स हैं जैसे प्रिंस वगैरह, उन लोग का कैसा मतलब अनुभव था? और एक बार पूछिए सवाल, कोवर्कर प्रिंस जो आपके प्रिंस वगैरह हैं, मतलब जो